अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया से ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। देखिए रिपोर्ट। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। कप्तान रोहित शर्मा तो तुरंत ही ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए। मोहम्मद सिराज मैदान पर ही रोने लगे थे। इस मैच को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे थे। ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय क्रिकेट टीम से मिलने ड्रेसिंग रूम पहुंचे, जहां उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी ने एक एक खिलाड़ी से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए उनका दर्द शेयर किया और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की। ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी ने टीम के कोच राहुल द्रविड़ से मुलाकात की। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली को शाबाशी देते हुए कहा कि आप लोग 10-10 मैच जीत कर आए हैं, ये तो होता रहता है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। कराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। साथ ही पीएम मोदी रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी के खेल की तारीफ भी करते हुए दिखे और उन्हें आगे और अच्छा खेलने की बात कही। खेलना पड़ता हमें, बहुत अच्छा किया है इस बार। पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में मौजूद जसप्रीत बुमराह से गुजराती में बात करते हुए उनके खेल की तारीफ की। तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ थोड़। तो घर चला। और बाकी खिलाड़ियों को भी हार को भुलाकर आगे और अच्छा खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। सो, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है। विश्व कप में हार के बाद भारतीय टीम का मनोबल डाउन था। ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाड़ियों से मुलाकात उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों या फिर अपने क्षेत्र में कड़ी कोशिश के बाद भी असफल होने पर लोगों से मुलाकात की हो। आपको शायद ये तस्वीर तो याद ही होगी, जब चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद तत्कालीन चीफ को पीएम ने गले लगाकर हौसला बांधा और उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें भविष्य के लिए बधाई दी थी। और फिर 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी थी। टीम न्यूज़ स्टेट।